हाँ जी, तो अपनी सीट कवर जो है लग चुके हैं, एंड अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी उसमें रिपेयरिंग करी थी वो जाके देख लो। अब बात आती है कि सीट कवर कैसे लगते हैं, तो भाई सीट कवर मैं आपको दिखाता हूँ 3, 2 और 1 में। सो गाइस, यहाँ पे जो अपन ने सेलेक्ट करा था वो था पीला कलर। एंड मैं आपको पहले बोलूंगा कि भाई इस चीज़ को आप फ्यूचरिस्टिक देखिएगा कि भाई हाँ कुछ चेंज करवा रहा हूँ मैं स्कूटी में, बिकॉज काला रंग इसका हमेशा रहने वाला नहीं है। स्कूटी में कौन सा रैप होगा, क्या कुछ होगा, आगे देखते हैं। तो उस तरह से देखिएगा इसको, अभी शायद देखने में थोड़ी बहुत और लग भी सकती है, बट फ्यूचर की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है ये हिट जाएगी। एनीवेज भाई लोग, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा भाई अपनी जो स्कूटी है उसका सीट कवर जो है कटने लग रहा है। एंड मैं भाई आपको बताता हूँ, कोई भी इसमें झूठ नहीं है, मात्र और मात्र जो 5 या 10 मिनट में जो है स्कूटी का पूरा कवर तैयार कर दिया था भाई ने। भाई के हाथ की स्पीड देख रहे होगे आप, कितनी जल्दी जल्दी जो है वो काम करने लग रहे हैं। तो भाई मजा आ गया था सच्ची में काम करा के। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर अ चेंज मैंने जो है इसमें व्हाइट कलर का टेक्सचर भी डलवा दिया, क्योंकि ड्यूल टोन में मेरे को रखना था। बेसिकली अब 3 कलर हो चुके हैं अपने स्कूटी में, येलो, व्हाइट एंड देन ब्लैक। तो स्कूटी जो है बेस कोट में रहने ही वाली है अपनी। तो ये तो था भाई, बीच में बेल्ट और जो साइड का टेक्सचर है वो दिया जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ जाए एंड ये वीडियो ज्यादा लंबी ना खींचे। एक, 2 और 3। तो भाई ये सीट कवर जो है अपने अपनी स्कूटी में लगवाया है। एंड आपको जैसे कि पता होगा भाई, पहले जो है यहाँ पे स्कूटी में अपने कुत्तों ने क्या हाल कर दिया था, एकदम बुरा वाला हाल कर दिया था। तो वो चीज़ भी एकदम सॉल्व हो चुकी है प्रॉपर। यहाँ पे देखो तो भाई, कलर मैंने ड्यूल टोन इसलिए करवाया, और मैंने येलो क्यों कराया मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ भाई। येलो कलर कराने के पीछे रीज़न क्या था भाई, देखो ब्लैक करवा सकता था, मरून करा सकता था, ब्रगंडी करा सकता था, बट आउट ऑफ द बॉक्स की बात करें तो भाई येलो कलर जो है इस पर मेरे को ठीक लगा, येलो वाइट। दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, अभी आप इसे क्या सोचो स्कूटी को, अभी इसका नीचे वाला पोर्शन ब्लैक मत सोचिए। अभी आप सोचिए कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाला जो पोर्शन है वो तैयार करवाया मैंने। ब्लैक में इसलिए नहीं सोचने के लिए बोल रहा क्योंकि फ्यूचरिस्टिक सोचिए कि भाई हाँ आगे जाके इस गाड़ी में क्या कुछ, अपनी स्कूटी जो है उसमें क्या कुछ चेंजेस मैं करवा सकता हूँ भाई, क्या कौन से रैप कराऊंगा, कौन से कलर का, एंड बहुत सी चीज़ें हैं जिसको सोच के मैंने ये करवाया है। और फिर दूसरी चीज़, अगर कुछ डिफरेंट रखना था तो भाई मेरे को यही बढ़िया लगा सबसे ज़्यादा। एंड देखो डबल में, देखो पूरा येलो भी हो सकता था, बट डबल मैंने इसलिए कराया कि भाई थोड़ा सा अलग हो जाए, एक जैसा ना दिखे। एंड पहले ब्लैक था भाई इसमें, और दूसरी चीज़ भाई इतना ज़्यादा बढ़िया काम कराया ना भाई ने कि ये देखो एकदम परमानेंट लग चुका है। इवन तो ये प्लास्टिक का पार्ट है, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इनको, तो ये भी लगाया भाई, इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। और इनसे पहले मैंने स्कूटी पर अपनी जो है काम कर, बाइक पर, बुलेट पर काम कराया था, तो तब से ही मेरी आज तक सीटें जो चल रही हैं, और ये सीट भी भाई इतनी ज़्यादा अमेजिंग लगा दी है ना भाई ने। और भाई टोटल खर्चा मैं बताऊँ, सिर्फ खर्चे की बात करूँ कि खर्चा कितना हुआ, तो भाई अपना 300 रुपये में जो है उनने अपनी रिपेयर भी कर दी, और 300 रुपये में जो है मतलब टोटल 300 रुपये में कवर भी चढ़ा दिया, रिपेयर भी कर दी, और अंदर जो है उनमें फोम जो है सब कुछ लगा के एक नंबर की कर दी भाई। तो भाई देखो, अब मेरे कुछ भाई को पसंद आ सकती है, कुछ नहीं भाई को पसंद नहीं आ सकती, तो भाई वो अपनी अपनी चॉइस होती है।
अभी मेरी आंखों में बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने जो सोचा है मैंने वो सोच के कराया कि भाई हाँ मैं इस पर रैप कराऊंगा या कुछ कराऊंगा, उसके बाद जो है शायद स्कूटी अच्छी लगने लग जाए। अभी तो भाई एकदम मतलब गंदी कंडीशन में, भद्दी कंडीशन में, अभी आप जज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी इस पर कुछ हुआ ही नहीं है। तो सपोज़ करिए कि भाई ये स्कूटी किसी और रंग में होती तो कैसी लगती। एनी केस, मेरे को ये और बताइए कि भाई अगर आप ये ना कराते तो दूसरा रंग वो करा देते वो भी अच्छा लगता, तो कौन सा रंग कराता मैं जो अच्छा लग सकता था, तो उसके बारे में मुझे लिख के बताइएगा। खैर भाई लोग ऐसी कुछ लग रही है अपनी स्कूटी, थोड़ा बहुत और वॉक अराउंड जो है घूम के आपको दिखा देता हूँ घूम फिर के। तो मेरे कुछ भाई लिखेंगे भाई गंदी लग रही है, कुछ भाई बोलेंगे भाई अच्छी लग रही है। तो भाई जैसी भी लग रही है कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही मैं तैयार कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे को गाड़ी का तो अंदाज़ा है भाई गाड़ी कैसे कुछ करते हैं, स्कूटी जो है फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कराई है अपनी ऐसी। तो भाई लिख के बताएगा प्लीज़। एनीवेज भाई लोग चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ पसंद आई, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए, बाय, धन्यवाद। तो गाइस लास्ट में मेरे से पूछा जाएगा भाई कितना खर्चा हुआ, तो भाई मात्र 300 रुपये में जो सीट है वो भी रिपेयर होगी एंड ये वाली सीट भी अपनी जो है 300 रुपये में सिर्फ लग चुकी है। तो भाई कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, अच्छी लग रही है बुरी लग रही है वो आप खुद मुझे बता सकते हो कि भाई हाँ आपको पसंद आ रही है, नहीं भी पसंद आ रही तो भी मुझे बता सकते हो, बट हाँ ऐसी कुछ जो है अपनी सीट लग रही है भाई। और साथ ही साथ थोड़े से चेंज के लिए भाई ये जो बेल्ट है ये बीच में डलवा दी मैंने, कि थोड़ा सा जो चेंज है इस बेल्ट से भी लगेगा। और फिर क्या था कि पूरा येलो भी करवा सकता था, बट देन दो टेक्स्चर में करवाया मैंने वाइट और येलो, कि थोड़ा सा फौरा चेंज ये कुछ अपनी ऐसे लगने वाली है। तो 300 रुपये में भाई सही है। अब नेक्स्ट मुझे बताओ भाई नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करवाऊँ इसकी, कि हाँ हर्ष भाई नेक्स्ट चीज़ आप इसमें अपनी गाड़ी में जो अपनी स्कूटी है इसमें ये कराओ। और मुँह से भाई गाड़ी गाड़ी निकलता रहता है क्योंकि गाड़ियों पे मॉडिफिकेशन होती है, अब स्कूटी की तो नई नई स्टार्ट करिए। तो नेक्स्ट बताइएगा फटाफट मैं क्या करवाऊँ भाई इस पर, जो आप लोग बोलेंगे वही कराएंगे। तो नेक्स्ट बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन लिख के, हर्ष भाई नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ये देखनी है। और इसके अलावा मैं कौन सा करवाता, अगर ब्लैक करवाता देखो भाई ब्लैक आप लोगों को दिखता नहीं पता नहीं चलता, रेड थोड़ा मुझे ऑड लग रहा था, ब्लू भी ऑड लगता, येलो ही मेरे को ठीक लगा, येलो और जो अपना ब्लैक का है कम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ लग रही है लिख के बताइएगा प्लीज़।